अयोध्या में विराजे रामलला के मनमोहक विग्रह का श्रृंगार बरेली में गढ़े गए आभूषणों से किया गया है। आभूषणों को तैयार करने में सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ना का इस्तेमाल हुआ है। इन्हें तैयार करने में 14 दिन का समय लगा। भगवान के मुकुट और हार पर सूर्य की छवि सूर्यवंश के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित है। आभूषणों को बनाने की जिम्मेदारी वैश्य कुमार तनय समाज से जुड़े बरेली के हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सौंपी थी। हर सहायमल ज्वेलर्स की इस उपलब्धि से वैश्य कुमार तनय समाज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर सहायमल परिवार का कहना है कि इस विशेष कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें चुना, यह उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। प्रभु श्री राम के आभूषण तैयार करने वाले हर सहायमल परिवार में भी हर्ष का माहौल है। राममय माहौल में पूरे परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं। हर सहायमल परिवार को मित्रों रिश्तेदारों समेत देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। हर सहायमल के निदेशक मोहित आनंद और अंकुर आनंद का कहना है कि 140 करोड़ देशवासियों और मंदिर ट्रस्ट ने हम पर भरोसा जताया, यह हमारे लिए गौरव की बात है। पूरे हर सहायमल परिवार के लिए यह एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। हर सहायमल के निदेशक मोहित आनंद के मुताबिक 2 जनवरी को लखनऊ शोरूम की जिम्मेदारी संभाल रहे उनके भाई अंकुर आनंद के पास मंदिर ट्रस्ट से कॉल आया था और 16 जनवरी तक आभूषण बनाकर देने की शर्त रखी गई थी। महज 14 दिन में अद्भुत आभूषण बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम कृपा से उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद करीब 70 कुशल कारीगरों की टीम को जुटाकर कर शिफ्टवार 24 घंटे काम किया और 16 जनवरी को आभूषण ट्रस्ट को सौंप दिए। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में विराजित मूर्ति का चुनाव ट्रस्ट ने 28 दिसंबर 2023 को किया था, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए मात्र 14 दिन का समय मिला। मोहित आनंद के मुताबिक प्रभु के आभूषणों में क्या प्रतीक होंगे, कौन से रत्न जड़े जाएंगे, कितनी लंबाई, चौड़ाई व वजन होगा, ये सब ट्रस्ट के मार्गदर्शन में ही हुआ है। ट्रस्ट से जारी बयान के अनुसार आभूषणों का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस और आलवंदार स्त्रोत के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध व अध्ययन के बाद किया गया है। मोहित के मुताबिक आभूषण बनाने के दौरान कड़ी निगरानी होती रही। सीसीटीवी कैमरे से पूरा परिसर लैस रहा। रामलला के नेत्र गढ़ने के लिए सोने की छेनी और चांदी की हथौड़ी का प्रयोग किया गया। विग्रह का श्रृंगार तिलक, मुकुट, धनुष, तीर, छोटा हार, पंचलदा, विजय हार, करधनी, बाजूबंद, दोनों हाथ और पाव के कड़े, नूपुर पायल, मुद्रिका, कमल की बेल से हुआ है। रामलला के लिए गले का हार भी बनाया गया है। मोहित ने बताया कि सभी आभूषण हस्तनिर्मित हैं। इनका वजन और गुणवत्ता हॉलमार्क से प्रमाणित है। ट्रस्ट को आभूषण सौंपे जाने के बाद सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ना की जांच इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI से भी कराई गई। फिर इन्हें रामलला को धारण कराया गया। मोहित के अनुसार प्रभु कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि आभूषणों की लागत नहीं बता सकते, क्योंकि प्रभु को अर्पित होने पर अब तो वह अनमोल हो गए हैं। प्रमुख आभूषणों में रामलला को पहनाई गई विजयमाला का वजन 2 किलो है। इसके अलावा 1700 ग्राम का मुकुट, 16 ग्राम का तिलक, 65 ग्राम की मुद्रिका, 500 ग्राम का कंठहार, 660 ग्राम का पंचलदा, 750 ग्राम की करधनी, 850 ग्राम के हाथ के कड़े और 560 ग्राम के पैर के कड़े प्रमुख हैं। भगवान श्री राम के आभूषणों में से हर एक आभूषण की अपनी अलग खासियत भी है। उत्तर भारतीय परंपरा में बना श्री राम का स्वर्ण निर्मित मुकुट माणिक्य, पन्ना, हीरों से अलंकृत है। मुकुट के मध्य सूर्य चिन्ह बना है, जो सूर्यवंश का प्रतीक है। दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। भगवान के कुंडल पर मयूर की आकृतियां बनी हैं। ये सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। भगवान का कंठा अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित है। इसमें फूल और सूर्य देव बने हैं। ये सोने, हीरे, माणिक्य से जड़ा है। इसमें पन्ने की लड़ी भी लगी है। भगवान के हृदय पर कौस्तुभ मणि है, जो बड़े माणिक्य और हीरों से अलंकृत है। पदक भगवान के कंठ से नीचे और नाभिकमल से ऊपर तक का हार है। ये हीरे और पन्ने का पंचलदा है। इसमें नीचे एक बड़ा पेंडेंट लगा है। पैरों में सोने के कड़े और पैजनियां पहनाए गए हैं। प्रभु राम के बाएं हाथ में 5.5 फुट का सोने का धनुष है। इसमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकने हैं। दाएं हाथ में 2 फुट का सोने का बाण है। गले में फूलों की आकृति की वनमाला है। मस्तक पर पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से बनाया गया है। प्रभु के चरणों में कमल है। नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है। सामने की ओर खेलने के लिए चांदी के खिलौने भी बनाए गए हैं। इसमें झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना और गाड़ी है। प्रभु राम के प्रभा मंडल पर सोने का छत्र लगा है। विजय की प्रतीक विजयहार माला 5 फुट लंबी है और सोने से बनी है। इसमें कई माणिक्य लगे हैं। वैष्णव परंपरा के तहत मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख, मंगल कलश दर्शाया गया है। इस पर 5 प्रकार के पुष्प कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी को उकेरा गया है।
भगवान की करधनी में सोने से प्राकृतिक छटा उकेरी गई है। ये हीरे माणिक्य मोती पन्ने से अलंकृत है। इनमें छोटी छोटी पांच घंटियां भी लगी हैं। साथ ही मोती माणिक्य पन्ने की लड़ियां लटक रही हैं। भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित बाजूबंद पहनाए गए हैं। हाथों में रत्न जड़ित कंगन और मुद्रिकाएं हैं। इनमें मोती लटक रहे हैं। मोहित जी, जानना चाहेंगे कि आपने तरुण श्रीराम के कौन कौन से गहने बनाए हैं, कितने कितने वजन के हैं, और किस तरह से आपको जो डिजाइन हैं उनको कैसे फाइनल किया? कुल मिलाकर प्रभु के हमने 14 गहने बनाए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली मुकुट उसकी पंखी के साथ है, जिसमें कान भी लगे हुए हैं। प्रभु का तिलक, प्रभु का छोटा हार, उनका पचलड़ा, उनका लंबा वाला विजय हार, बाजूबंद, कमरबंद, कंगन, अंगूठी, सोने का धनुष और सोने का तीर। जो डिजाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिजाइन जो है वो कैसे फाइनल किए गए, कहाँ कहाँ से उनके डिजाइन के बारे में जी निर्देश मिले? जी, पहले दो दिन हमने सिर्फ इस बात की रिसर्च में लगाए कि हमारे पास जो इनपुट हमें दिए गए थे ट्रस्ट के द्वारा, कि प्रभु जो हैं अभी राजकुमार हैं, 5.5 साल की उम्र के हैं, तो उनको राजा न होकर एक राजकुमार का रूप देना था, इसलिए उनका मुकुट उतना प्लेफुल होना था, लेकिन ये भी दिखाना था कि प्रभु के अंदर अथॉरिटी है, क्योंकि आगे बन के ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। इसको डिज़ाइन करने में हमने 2 दिन तक रिसर्च करी, कुछ पुराने धारावाहिक देखे, जो रामायण जिसको देख देख कर हम बड़े हुए हैं, कुछ रामायण की पुरानी इलस्ट्रेशंस निकाली, कुछ रवि वर्मा साहब की पेंटिंग्स देखी, और काफ़ी गहन डिस्कशन के बाद कंप्यूटर पर हमने अलग अलग सारी पिक्चर्स को फाइनलाइज किया। तो पहले दिन छोड़कर उसके बाद 10 दिन का समय हमें प्रोडक्शन में भी चाहिए था, 2 और 3 दिन का समय हमें सर्टिफिकेशन में और हॉलमार्किंग में लगा। इसमें जो मटेरियल है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? इसमें सोने के अलावा इसमें उच्च क्वालिटी के हीरे पन्ने और माणिक लगे हुए हैं। मुकुट में अगर आप देखेंगे, प्रभु राम को जो मुकुट चढ़ाया गया है उसमें सबसे बीच में, सबसे मध्य में एक पन्ना लगा हुआ है। पन्ना सिग्निफाई करता है अथॉरिटी को, क्योंकि वो शासक है, क्योंकि वो राजा हैं, तो इसलिए जो पन्ना है वो अथॉरिटी के लिए लगाया गया है। और उनकी वेल्थ रूबी एंड एमरल्ड्स एंड डायमंड्स। लगभग अगर मैं कारीगर गिनूँ तो लगभग 70 कारीगर ने निरंतर काम किया, 19 घंटा रोज़ काम किया, और बैक एंड फ्रंट एंड मिलाऊँ तो लगभग 150 लोग की हमारी टीम 15 दिन बराबर इस काम में लगी रही। ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही अद्भुत मोमेंट रहा है, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। और मैं नहीं कहता क्या, लेकिन शायद प्रभु राम ने हमको चुना है।